हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिल विद गिल्स। आज हम बनाएंगे प्रोटीन सैलेड जो है हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें प्रोटीन सैलेड बनाने के लिए, उसमें है 1.5 कप चना, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करने के बाद बॉईल कर लिया है। 1 कप हमें चाहिए कटा हुआ खीरा। बेबी स्पिनच चाहिए हमें 1/2 कप कटी हुई। रेड अनियन चाहिए हमें कटा हुआ 1/2 कप। 1 कप हमें चाहिए गाजर कटी हुई। ये छोटे टमाटर हैं जिन्हें हम चेरी टमाटर भी बोलते हैं, ये 1/2 कप है कटा हुआ। स्प्राउट्स हमें चाहिए 1 कप। पनीर हमें चाहिए 1 कप। रोस्टेड पीनट्स हमें चाहिए 1/2 कप। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें डालेंगे ब्लैक चना। और ब्लैक चना में आयरन बहुत ज़्यादा है और फाइबर भी इसमें बहुत है। अब डालेंगे इसमें कटा हुआ टमाटर। टमाटर में आपको मिलेगा विटामिन सी और पोटाशियम। और जो सैलेड हम बना रहे हैं ये वेट लॉस में भी बहुत काम आता है। अगर आपकी बॉडीज में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे नी की प्रॉब्लम है, चाहे ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो ये वाला सैलेड आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। अब डालेंगे कटा हुआ ककुम्बर। ककुम्बर में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो ये उसे भी ठीक करेगा। अब डालेंगे कटी हुई गाजर। इसमें मिलेगा आपको विटामिन के, आयरन और फाइबर से भरपूर है गाजर। अब डालेंगे पनीर। पनीर में आपको मिलेगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये फुल विद प्रोटीन है। अब डालेंगे कटा हुआ स्पिनच, ये फुल विद आयरन है। अब डालेंगे स्प्राउट्स, ये आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करेंगे, आपकी स्किन को रिपेयर करेंगे। अगर आपकी कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करेंगे। अब डालेंगे रोस्टेड पीनट्स, अगेन ये फुल विद प्रोटीन है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। अब सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इस सैलेड को रोज़ दिन में एक बार खाते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो आपकी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी। तो अब सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मेरे बच्चों को तो ये सैलेड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप इसे ज़रूर अपनी रूटीन लाइफ में लेके आएं। तो सैलेड की सीजनिंग बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है 1/2 चम्मच हमें चाहिए ब्लैक पेपर, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये नेचुरल फैट होती है इसमें तो ये बहुत ही ज़रूरी है। लेमन जूस चाहिए हमें 1 चम्मच, 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच ब्लैक सॉल्ट, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच हमें चाहिए रोस्टेड ज़ीरा। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑलिव ऑयल में हम डालेंगे लेमन जूस, रेड चिल्ली पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला, रोस्टेड ज़ीरा और साथ में कुटी हुई काली मिर्च। आप इसकी जगह पे काली मिर्ची का पाउडर भी ले सकते हो। अगर आप रेड चिल्ली पाउडर खाना पसंद नहीं करते तो आप इसकी जगह पे ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हो। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और हमारे प्रोटीन सैलेड की सीजनिंग अब रेडी है। और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसे हम मिक्स करेंगे अपने सैलेड में। तो सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं, अब इसके ऊपर डालेंगे जो हमने सीजनिंग रेडी करी थी इसकी, फैलाकर डालेंगे अच्छे से, बाद में मिक्स करेंगे।
मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, तो चलो अब इसे करते हैं सर्व। तो जितना बाउल मैंने लिया है, अब अगर इतना बाउल आप लंच टाइम में खा लेते हो तो आप 30 डेज में अपना वेट लॉस आराम से कर सकते हो। ये देखिए लग रहा है ना अच्छा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्रोटीन सैलेड बनकर रेडी है। और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, और ये हेल्दी भी बहुत है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और इसमें आपको आयरन मिलेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सारी चीज़ें इस सैलेड में है। तो आप इस सैलेड को ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इसे मिलके बनाएं, खाएं और हेल्दी रहें। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना यम्मी लग रहा था हमारा सैलेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।